चाहिदा है। क्योंकि ये एक रास्ता है जिहड़ा असी होर धर्मां वाले मज़हबां बारे असी सोच सकते हैं, असी पढ़ सकते हैं, असी देख सकते, सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मैं अंजम गिल और असी हुण पहुंचे हां साइमी अमीर की दरगाह ते लाहौर। साइमी अमीर दे बारे तुहानू दसते जाइए कि वह बजुर्ग ने जिन्हां दे कोलों सरी हरिमंदर साहब का नींह पत्थर रखवाया गया सी, तां तुहानू दरगाह दे असी दिखाने अगे लैके चलते हैं, साडे नाल जुड़े रहना, आओ चल। मियाँ मीर साहब मुस्लिम सूफी सन और किसी एक मज़हब के अंदर असी इन सूफिया कैद नहीं कर सकते। सूफी और मौलवी का बुनियादी फर्क ये होंगे कि मौलवी सिर्फ किसी एक धर्म और किसी एक मसलक का होंगे, लेकिन सूफी अपने सच्चे गुरु के कनैक्टिविटी के नाल नाल उन्होंने आम जी लुकई होंगी है, सारी पब्लिक होंगी है, उन्होंने कनैक्शन जुड़े हुए होंगे, सो सब लिए जींदा है, सब लिए मेहनत करता है, वो नहीं कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ चुकता है, अपनी जदोजहद भी करता है। जिहड़ा है मियाँ मीर दा मेला, उस दे विच चार वड्डे मज़हब से, हिंदू मज़हब से, सिखी मज़हब उस वेले तक काफ़ी हद तक अगे आ चुके सी, और मुसलमान जिहड़े से उन्हां दी हिस्ट्री पिछे इस खिते दे विच कोई 5-600 साल दी हो चुकी सी, सो उस वेले मज़हबी मुनाफरत इत्थे वधदी जा रही सी। मियाँ मीर दे लोगों ने उस मज़हबी मुनाफरत नूं घट कीता और सच्चे रब दे जिहड़े सच्चे लोग सन उन्होंने इतराम देना शुरू किया। यही गल सी कि जिहड़े पंजवें सिखां दे गुरु सन, गुरु अर्जन देव जी, वो आप दे बहुत करीबी दोस्त, आप दे चाहवन वाले सी। बास रवायतां दे विच सानूं इह मिलदा है कि आप दे मुरीदैन दी हद तक उन्होंने चाहते सन। सो जदों हरिमंदर साहब की बुनियाद रखी जाती है दरबार साहब अमृतसर के अंदर, तो उदों उन्होंने जदों देखा कि मैं हुण इहदा नींह पत्थर मैं किहदे तों रखावां, इहदी पहली इट मैं किहदे तों रखावां, किहड़ा सच्चा इंसान है, तो उस वेले का जिहड़ा उन्होंने सच्चा इंसान नज़र आया सी वो मियाँ मीर साहब नज़र आए सन। तो यह है मियाँ मीर, सानू मियाँ मीर नू समझना चाहिए है। मियाँ मीर नू जदों असीं समझ लवांगे तो असीं अमन के रस्ते ते चल पावांगे, सच्चे रब का जो रस्ता है उन्हू पावांगे। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, जस भाजी भी साडे नाल ने, की आंदे हो तुसीं, किद्दां दा लग रिहा और की कहना चाहुंदे? इत्थे वधिया लग रिहा क्योंकि असीं हरिमंदर साहब तां काफ़ी वारी देखिया है, सुनिया भी बहुत है कि हज़रत मियाँ मीर जी ने नींह पत्थर रखिया, सो इत्थे आ के महसूस होंदा है कि असीं ओह अस्थान भी देख लिया जिहड़ा अपने इतिहास नाल भी जुड़िया है, तां कोई लिंक हैगा, तां मैनूं लगदा जदों जथा आउंदे हुंदे ओह भी मियाँ मीर दे मज़ार आउंदे हुंदे आ, तां आउणा चाहीदा आ, तां इत्थे सिखणा चाहीदा आ, तां क्योंकि ये एक रास्ता आ जिहड़ा असीं होर धर्मां वाले मज़हबां बारे असीं सोच सकते, असीं पढ़ सकते हैं, असीं देख सकते, सुन सकते, तो असीं समझ सकते हैं। तो मैनूं लगता जिन्ना चिर तुसीं असमझ नहीं सकते, मैनूं लगता तुसीं अपने आप नूं नहीं समझ सकते। प्यार मुहब्बत दा इक सुनेहा दित्ता सूफियां ने, ओह वी तां मैनूं लगता ज़्यादा हुण लोड़ आ, लोड़ उदों भी सीगी, लोड़ हुण भी आ, लोड़ अगे भी रहिणी आ, सो ये गल्लां असीं सानूं चेते रखणियां चाहीदियां आ, तां जिहड़े रस्ते इहनां ने दिखाए उहनां दे रस्ते उत्ते चलणा चाहीदा। बहुत शुक्रिया जी।